हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, अभी रिसेंटली एक असेंचर शॉकिंग इंटरव्यू रिजल्ट्स देखने को मिला है। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा, 60% बॉयज 40% गर्ल्स। अब जितने भी बॉयज है वे सोच रहे होंगे कि भैया क्या हो चुका है, ये 60% बॉयज का सिलेक्शन हुआ है क्या या 40% गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है क्या, क्या चीज हुई है? क्या आपको इस चीज पर विश्वास होगा अगर मैं आपको कहूँ कि 60% बॉयज का सिलेक्शन हुआ है एंड 40% गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है? तो काफी स्टूडेंट्स को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, बट मैं आपको अभी रियल चीजें दिखाने वाला हूँ, अभी शॉकिंग इंटरव्यू रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ जो काफी टाइम के बाद देखने को मिला है। क्योंकि अभी काफी कॉलेजेस के ऑलरेडी इंटरव्यू रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड हर जगह क्या हो रहा है, गर्ल्स की हायरिंग ज्यादा हुई है। बट ये शॉकिंग इंटरव्यू रिजल्ट्स आपको भी देखने को एक बहुत वियर्ड सा लगेगा, एक आपको भी शॉकिंग दे देगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जो भी हुआ है बेस्ट हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक पर्टिकुलर कॉलेज की, कॉलेज का नेम भी बता दूंगा मैं, ए बी ई एस गाजियाबाद कॉलेज की, ये पर्टिकुलर कॉलेज की ये मेल है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की। तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है कि हाँ ये मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की है या नहीं है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप खुद किसी भी अपने फ्रेंड से जो भी ABS गाजियाबाद के अंदर है आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो अमन सर, आई गॉट माई असेंचर रिजल्ट टूडे एंड आई एम सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ योर असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, जो काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई है। एंड ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप जाओ जाके वीडियोज की कमेंट सेक्शन देखो। ऑलरेडी जो हमने असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मल्टीपल कोडिंग वन शॉट्स बनाए थे, जिसके अंदर हमने दो दो घंटे के, टू आवर्स के वन शॉट बनाए थे, MS ऑफिस की वीडियो बनाई थी, सूडो कोड की वीडियो बनाई थी, पूरी एक कंप्लीट हमने असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनाई थी, जो काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प किया है। काफी इन्फ्लुएंसर्स कोर्स बेचते हैं अपना, असेंचर का भी काफी इन्फ्लुएंसर्स ने कोर्स बेचा है, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर का पर्टिकुलर नेम नहीं लूंगा। उनके जो कोर्स, उन्होंने जो कोर्स बनाए थे, चाहे आप उनके कोर्स लेके देख लेना, हमारी असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट जो बिल्कुल फ्री थी यूट्यूब पे, जो हमने पूरी प्लेलिस्ट डाली थी, उसका कंटेंट टॉप नॉच लेवल था, अनबीटेबल कंटेंट था। एंड जितने क्वेश्चन, जो जो चीजें मैंने कराई है, मोस्टली काफी स्टूडेंट्स को वे चीजें आई है। जो मैंने कोडिंग क्वेश्चंस वन शॉट के अंदर कोडिंग क्वेश्चन कराए हैं, काफी स्टूडेंट्स को सेम कोडिंग क्वेश्चन रिसीव हुए हैं। सो गाइस, इन माय कॉलेज 588 स्टूडेंट्स गेव द इंटरव्यू आउट ऑफ, मैं आपको एक बार बताता हूं डेटा, 588 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा एक नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का। आउट ऑफ 209 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड एंड, अभी शॉकिंग पार्ट यहां से नहीं है, अभी शॉकिंग पार्ट में आपको दिखाऊंगा, 588 स्टूडेंट्स में से 209 स्टूडेंट्स का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 209 स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉलेज से एक कंपनी लेके जा रही है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है, एक बहुत अच्छी चीज है कि काफी स्टूडेंट्स का इस बार एज कंपेरिजन टू 2024 बैच, 2025 बैच के अंदर काफी आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम 2024 की बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज की, ABS गाजियाबाद की, तो 75 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए। चाहे आप जाके पूछ सकते हो, चाहे आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आप कहीं भी डेटा देख सकते हो। एंड इस बार 3x मान के चल सकते हैं हम कि 3x प्लेसमेंट हुई है, 3x डेटा इस बार आया है, मतलब 3x स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन आया है। तो 75 स्टूडेंट्स 2024 बैच जो आपके सीनियर है, 75 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था एंड इस बार 209 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है असेंचर के अंदर। तो एक बहुत बड़ा, ये मान के चलना एक बहुत बड़ा नंबर है ये। एंड सर, शॉकिंग पार्ट इज दैट मोर मेल कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड। तो यार, अब तक लड़कों के साथ, अब तक बॉयज के साथ क्या हो रहा था, नाइंसाफ हो रहा था, क्या हो रहा था अब तक, क्या हो रहा था आपके साथ, कुछ भी नहीं हो रहा था, इक्वालिटी तो आई नहीं थी। आप कितने भी कॉलेज के रिजल्ट देख लो, वहां पे क्या हो रहा है, गर्ल्स का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, गर्ल्स ज्यादा हायर की गई है। बट इस पर्टिकुलर कॉलेज से शॉकिंग पार्ट यही है, मोर मेल कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड। मेल कैंडिडेट्स मतलब बॉयज का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, 123 कैंडिडेट्स आर बॉयज एंड 86 कैंडिडेट्स आर गर्ल्स। तो आप खुद देख सकते हो कि 60% स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन हुआ है वो बॉयज का हुआ है एंड 40% आर गर्ल्स, 86 कैंडिडेट्स आर गर्ल्स एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स गोट AASC रोल, एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। दो रोल पे असेंचर हायर करती है, एक ASC एक AASC, ठीक है। इसका पैकेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 6.5 LPA और 6 LPA समथिंग। एंड सिर्फ ये मैं आपको बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स इस चीज में रहते हैं कि भैया एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हमें क्या पढ़ना है,
सबका इंटरव्यू सेम होता है, बट ये प्रोफाइल बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 209 स्टूडेंट्स में से 207 स्टूडेंट्स को एएससी मिला है, जबकि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को एएससी मिला है। तो कितना एक कम रेशो है, तो एएससी बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है, फ्यू स्टूडेंट्स को ये एएससी प्रोफाइल मिलती है, एंड अदर स्टूडेंट्स गोट एएससी रोल ओनली। थैंक्स सर। तो ये हमने एक बिल्कुल एक शॉकिंग इंटरव्यू रिजल्ट जो भी रिसेंटली अभी आईबीएस गाजियाबाद के अंदर शेयर हुआ है, ये हमने देखा है, एंड बिल्कुल मतलब एक अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज कैंडिडेट्स का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है एंड गर्ल्स कैंडिडेट का कम सिलेक्शन हुआ है एज कम्पेरिजन टू बॉयज। तो जितने भी स्टूडेंट्स का भी असेंचर अपकमिंग इंटरव्यू है, सो गाइज बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि गर्ल्स को हायर करेंगे या बॉयज को हायर करेंगे। हर एक कॉलेज के अंदर अलग अलग चीजें हो रही है, तो अपना एक बेस्ट दे के आना, अपनी सारी चीज अच्छी तरीके से रिवाइज करना, ओप्स के कॉन्सेप्ट, डीवीएमएस के कॉन्सेप्ट, जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपने अच्छी तरीके से अब तक चीजें की है, काफी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी कोडिंग की है, काफी स्टूडेंट्स ने डेवलपमेंट अच्छा किया है, तो जो भी चीज अपनी आपने अच्छी की है उसको रिवाइज कर लेना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोजेक्ट। ये गाइडेंस मैं उन स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग इंटरव्यू है, प्रोजेक्ट का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, सभी मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उनका सिलेक्शन हुआ है प्रोजेक्ट के बेसिस पे। लाइक जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे, एक तो उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ भी चीजें ऐसी नहीं थी कि जो आपकी ये मान के चल सकते हो कि आप कॉपी होती है ना एक चीज कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया एंड उसको ही 10 स्टूडेंट्स ने कॉपी कर लिया, तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट कि वो बहुत ज्यादा कॉपी हो चुका हो, ठीक है, तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको मेंशन नहीं करना है। एंड जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, इन स्टूडेंट से मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई है, तो प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रही है सेंसर, तो प्रोजेक्ट का पार्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना। चैलेंजेस क्या फेस करा आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्या आपने टीम में काम किया है या नहीं किया है, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे असेंचर इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टू द 1-to-1 मॉक इंटरव्यू। ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोल चुका है कि हमने 1-to-1 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स के 1-to-1 मॉक इंटरव्यू हो चुके हैं, एंड अगर आपको भी अपना मॉक इंटरव्यू स्लॉट बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग इंटरव्यू है अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है इस मॉक इंटरव्यू का, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस इंटरव्यू के बाद अप होगा, आपको चीजें पता चलेगी किस टाइप के क्वेश्चन असेंचर पूछ सकती है, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आप अपने फाइनली जो आपका मेन इंटरव्यू है उसको आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपकी मिस्टेक्स थी, जो भी आपको लर्निंग्स लेनी है, वो आप इस मॉक इंटरव्यू के अंदर ले लोगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं, अभी काफी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के रिजल्ट्स रिसीव नहीं हुए हैं, तो कब तक इंटरव्यू रिजल्ट्स रिसीव हो सकते हैं, 10-15 डेज की टाइमिंग स्लॉट हम मान के चल सकते हैं। जब भी आपके कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यूज का, सारे के सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज हो चुका होगा, उसके 10-15 डेज बाद आप रिजल्ट्स का ये सोच सकते हो कि रिजल्ट्स आ सकता है 10-15 डेज के अंदर, मतलब आपसे पहले भी आ सकता है, 10 डेज से पहले भी आ सकता है, 15 डेज के बाद भी आ सकता है, तो ये डिले भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करती है। तो होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हो, एंड अभी जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू है गाइस, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू आप बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 1-to-1 मॉक इंटरव्यू हेल्प किया है, एंड होप्स आपको भी हेल्प करेगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अभी रिसेंटली जो शॉकिंग इंटरव्यू रिजल्ट्स था वो भी मैंने आपके साथ डेटा दिखा दिया है, एंड अगर आपको ये लगता है कि भैया झूठ बोल रहे, तो आप इस कॉलेज का डेटा जाके देख सकते हो, एबीएस गाजियाबाद के किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हो, तो वो आपको बता देगा। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।